मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है आप लोग कोस ओके आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रेफरेंशियल थ्योरी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रेफरेंशियल थ्योरी डिस्कस करोगे आज प्रेफरेंशियल थ्योरी का ओरिजिन कहाँ से है वो हम लोग देखते हैं तो देखो आपको गैल्वेनिक सेल याद है गैल्वेनिक सेल जरा मेरे को रिवाइज करा दो गैल्वेनिक सेल में आप दो इलेक्ट्रोड लेते थे एक एनोड लेते थे एनोड किसका बना होता था जिंक का और इस इलेक्ट्रोड को आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालकर रखता था तो जरा बताना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका बना होता था पिछले क्लास का जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे हम लोग ये बना होता था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट और वो उसका डाइल्यूट फॉर्म था क्लियर दूसरी तरफ yes. हाँ ओके आप एनोड रखते थे एनोड किसका रखते थे बताना जरा मेरे को कॉपर यस yes. और इसको जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा था उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नाम बताना ये सारा पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है कॉपर सल्फेट डाइल्यूट है ना देखो इसके बाद आपने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि भैया ये जिंक एनोड का, का काम कर रहा है क्लियर कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है ये प्रेफरेंशियल थ्योरी आपके सिलेबस में क्यों आया तो चीजों को रटना नहीं है प्रेफरेंशियल थ्योरी में क्या पढ़ोगे उसके क्या कांसेप्ट हैं इसके ओरिजिन इस से समझ लेते हैं हम लोग तो दिस सेक्शन एक्ट एज एनोड और बताना एनोड पे होता क्या है ऑक्सीडेशन क्या होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कैसे था जरा बताना ये भी पिछले क्लास में पढ़ा था आपने कि जिंक इलेक्ट्रोड गेट डिस्चार्ज एंड चेंजेस इन टू जिंक आयन थ्रू ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन यही पढ़ा था आपने और इस प्रोसेस में जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो डिस्चार्ज होता है नहीं गेट डिस्चार्ज ये पढ़ा था और कॉपर वाले सेक्शन को आप कैथोड के रूप में लिया था कैथोड पे होता था रिडक्शन रिडक्शन में क्या होता है बताना जरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर गया ये पूरे मैकेनिज्म पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप ये इलेक्ट्रॉन गया इस कॉपर के पास कैथोड के पास ये एक्सेप्ट नहीं करता है ये इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाता है जहां पे क्यूपरिक आयन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और चेंज कर जाता है कॉपर में और ये कॉपर फिर वापस इलेक्ट्रोड पे जाकर के सो करता है डिपोजिशन ये मैकेनिज्म पिछले लेक्चर में आपने किया था तो डिपोजिशन का प्रोसेस कैसे होता है सी यू टू प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से क्यूपरिक दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और थ्रू रिडक्शन इट चेंजेस इन टू कॉपर और जाकर के कैथोड पर जमा हो जाता है That means कि कैथोड पे होता है डिपोजिशन क्लियर डिपोजिशन यहां तक सही है अब अपना क्वेश्चन क्या है कि ठीक आप यहां पे डिस्चार्ज दिखा रहे हो नोड पर और एनोड पे डिस्चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट है जो आयनाइजेशन के बाद देगा जिंक आयन प्लस सल्फेट आयन इसके साथ साथ डाइल्यूट फॉर्म में वाटर भी है ये डाइल्यूट फॉर्म में है तो वाटर भी इसके साथ है वाटर का मतलब ये आयोनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होगा अब अपना क्वेश्चन क्या है कि भैया ये जो आप बोल रहे हो डिस्चार्ज और डिपोजिशन तो ये कटायन है तो दो है ये देख लो कटायन भी है तो कितने हैं दो हैं अब इन दोनों में से कौन पहले डिस्चार्ज होगा बताओ जरा हाइड्रोजन आयन या जिंक के आयन क्या समस्या यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया चलो अब एनोड की तरफ मूव करते हैं एनोड पे आप मूव करें तो वहां पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट को जब आप आयोनाइज करोगे तो क्यूप्रिक आयन एंड सल्फेट आयन में जो बनेगा क्लियर चलो ये इंडिविजुअल नहीं है हाइड्रेट है एक्वा सॉल्यूशन में है पानी है इसके साथ तो वाटर मालिकल्स आयोनाइजेशन के बाद हाइड्रोजन आयन देंगे हाइड्रोक्सी लाइन देंगे अब फिर से कंफ्यूजन हो गया कि चलो ठीक है यहाँ जो आप डिपोजिशन करा रहे हो तो डिपोजिशन के लिए तो कंपटीशन हो गया कॉपर बोलेगा कि हम पहले जाएंगे कॉपर बोलेगा कि डिपोजिशन के लिए पहले हम जाएंगे डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे तो कॉपर बोलेगा पहले हम जाएंगे उधर से हाइड्रोजन बोलेगा नहीं नहीं पहले हम जाएंगे मामला फंस गया तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एनोड पे डिस्चार्ज होने के लिए दो आयन हैं कैथोड पर डिपोजिशन होने के लिए भी मोर देन आयन है दो हैं पॉसिबिलिटी है कि मोर देन टू भी हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताओ भैया कि एनोड पर पहले जिंक डिस्चार्ज होगा या हाइड्रोजन आयन होगा क्या आंसर करोगे बोलो Now question is that he at anode which ion is discharged initially discharged initially क्या आंसर करोगे बताओ अब दूसरी तरफ कैथोड में भी जो डिपोजिशन हो रहा है तो मोर देन वन आयंस है तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि एट कैथोड विच आयन इज डिपोजिटेड इनिशियली क्या आंसर करोगे कुछ समझ में आ रहा है नो यस क्या समझ में आया कौन पहले डिस्चार्ज होगा कौन पहले डिपॉजिट होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे चलो अब हम सम, लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो अपने पास दो बंदे हैं एक दो रोटी खाके पेट भर जाता है और एक चार रोटी खा के पेट भरता है अब बताओ पेट किसका पहले भरेगा दो रोटी वाले का या चार रोटी वाले का दो रोटी वाले का ऑब्वियस तो कम खाने वाले का या ज्यादा खाने वाले का कम बिल्कुल तो अब एनोड पे आप क्या करा रहे हो डिस्चार्ज क्लियर तो डिस्चार्ज कराने के लिए जो एनर्जी होनी चाहिए उसको बोला जाता है डिस्चार्ज एनर्जी और डिस्चार्ज पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल और यहां पे करा रहे हो डिपोजिशन तो डिपोजिशन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए या डिपोजिशन के समय जो एनर्जी निकालेगा उसको आप बोलोगे डिपोजिशन एनर्जी और डिपोजिशन पोटेंशियल क्लियर चलो तो अब आप बताओ कि डिस्चार्ज पहले कौन होगा जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम होगी या जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी अधिक होगी कम होगी ऑब्वियसली कम होगी एक्सैक्टली exactly, सही पकड़ा आपने आयन हैविंग लो डिस्चार्ज एनर्जी आयुष पूरे क्लियर समझ रहे हो इज डिस्चार्ज और जो बच्चे लाइव होंगे या बाद में वीडियो देखेंगे अगर उनको समझने में दिक्कत होगी तो वीडियो बार बार देखेंगे या फिर कमेंट में लिख के बता देंगे हाउ टू हेल्प इज डिस्चार्ज इनिशियली चलो दूसरी तरफ ये भी क्वेश्चन आता है कि डिपोजिशन पहले कौन करेगा जिसका डिपोजिशन एनर्जी कम हो या अधिक हो तो फिर से आप आंसर कर नहीं कम वाला ना आय हैंग लो डिपोजिशन एनर्जी इज डिपोजिटेड इनिशियली चलिए ये तो कंसेप्ट की बात हो गई तो अपने को तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि किसका डिस्चार्ज एनर्जी अधिक होता है किसका डिस्चार्ज एनर्जी कम होता है या अपने पास कोई एक वैसा सीक्वेंस होना चाहिए क्लियर तो हम लोग एक काम करते हैं ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और डिपोजिशन एनर्जी कर लेते हैं क्लियर तो हम लोग यहां पे कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये तो समझ में आ गया कि भैया जिसका डिस्चार्ज एनर्जी कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल का एक सीक्वेंस, एक क्रम बना लेते हैं तो आप बोलोगे सर ये तो कटाइन भी रिलीज कर रहा है और एनाइन भी देखो नहीं ये कटाइन भी कर रहा है और एनाइन भी कर रहा है लुक हेयर, ग्रीन वाला इसके बगल में देखो ये ग्रीन नहीं ग्रीन कर देते हैं नहीं एलो में ही आता है और इधर भी देखो केटाइन भी है और एनाइन भी है एन ओर्डर कैथोड दोनों के पास ये तो क्लियर हो गया तो ये केटाइन और एनाइन दोनों हैं तो ऑर्डर हम लोग केटाइन के लिए और एनाइन के लिए दोनों के लिए अलग-अलग देखेंगे भेजो तुम हट जा आ तो जा ब्लू कलर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे फोर किटाइन में पोटेशियम सबसे पहले उससे कम आपको मिलेगा सोडियम में है ना पोटेशियम और सोडियम का कंपटीशन हो तो सोडियम पहले जाकर डिपॉजिट हो जाएगा फिर कैल्शियम उससे कम अगर बात करोगे आप मैग्नीशियम उससे कम एनर्जी एल्यूमिनियम आयन में उससे भी कम एनर्जी की बात करोगे तो जिंक आयन में उससे भी कम एनर्जी की बात करोगे तो हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोजन से भी कम कॉपरिक के आयन क्यूपरिक आयन जिसे बोलते हो आप उससे कम मर्क्यूरस में मर्करी का आयन मर्क्यूरस उससे भी कम सिल्वर का आयन अर्जेंटेनस ये कटायन में अगर कंपटीशन का भी हुआ तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करना क्लियर है इसके बाद एनआन की बात करें फोर एनाइन फोर एनाइन कुछ एनाइन लिख लेते हैं जो कॉमनली आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिलेंगे जैसे कि आपको सल्फेट मिला था सल्फेट से कम नाइट्रेट आयन का डिपोजिशन नाइट्रेट से कम क्लोराइड हेलाइड्स काफी मिलते हैं आपको ब्रोमाइड भी रख लो ब्रोमाइड भी कॉमन है एंड आयोडाइड्स तो अभी तक आपने क्या देखा एक बार फिर से रिवाइज कर लो भैया हमने पढ़ा क्या पढ़ने जा रहे प्रिफरेंशियल थ्योरी प्रिफरेंशियल थ्योरी का ऑरिजन कहाँ से हुआ बताना मेरे को आपने गलवैनिक सेल का कंसेप्ट लेकर समझा तो गलवैनिक सेल में देखा कि एक एनोड है और दूसरा दूसरा क्या है कैथोड एनोड पे हो रहा है डिस्चार्ज और कैथोड पे क्या हो रहा है डिपोजिशन तो डिस्चार्ज करने के लिए सिर्फ एक ही आयन नहीं है मोर देन वन आयन है हैं डिपोजिशन करने के लिए भी एक ही आयन आयन नहीं है है मोर देन वन तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा कौन डिपोजिट होगा क्लियर उसके बाद उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कौन बचा हुआ रह जाएगा उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप प्रिफरेंशियल थ्योरी का यूज करेंगे और उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल और डिपोजिशन पोटेंशियल पे बेस्ड होगा क्लियर जिसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम होगी वो पहले जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा और कैटायन और कुछ का सीक्वेंस आपके पास है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा चलो प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस सर करेंगे बाकी अभी आप बताना शुरू कर देना फर्स्ट प्रैक्टिस हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन इट्स सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस समझ रहे हो आप इलेक्ट्रोलाइट्स लिया एक्वा सॉल्यूशन पानी में डाला और इलेक्ट्रिक करंट देकर उसको तोड़ना शुरू किया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस एक्वस मीन्स वाटर इन वाटर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन चलो तो भैया ठीक है तो सोडियम क्लोराइड है सोडियम तो क्लोराइड का आयनाइजेशन बताना जरा मेरे को सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन ऐसे ही करोगे क्लियर तो आप बोलोगे रुकिए रुकिए इसमें वाटर भी है तो हाँ भाई वाटर भी है तो वाटर का भी आयनाइजेशन करा दो आफ्टर आगे वाटर क्या देने वाला है बोलते चल जाना हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन क्लियर तो अब क्वेश्चन आता है कि एनोड पर कौन जाएगा कैथोड पर कौन जाएगा हम लोग दोनों को साइमल्टेनियस एडजेशन पोजिशन में रखते हैं अगल बगल में रख करके ले चलते हैं एट एनोड कौन जाएगा जो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा नहीं एट एनोड कौन जाएगा जो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा ऑक्सीडेशन तो करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स रखेगा वही जाएगा या तो क्लोराइड आयन जाएगा या फिर हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा समझ रहे हो yes. दूसरी तरफ एट कैथोड तो कैथोड पे कौन जाएगा तो आप बोलोगे सर जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा वो जाएगा दैट मीन्स रिडक्शन जिसे सो करना है तो रिडक्शन सो करने के लिए भी आपके पास दो हैं सोडियम को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए हाइड्रोजन आयन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं क्लोरीन आवाज इधर लेफ्ट साइड में एनोड पे ये जो क्लोरीन है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीडेशन हाइड्रोक्सिल आयन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लियर तो हाइड्रोक्सी लाइन क्या बनाने जा रहा है एस टू ओ प्लस ओ टू इसको कर दो हाफ ये भी हाफ बैलेंस कर लेना विथ रिलीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके रिडक्शन शो करेगा हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में रहता है इसलिए हाफ एस टू लिख दिया अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ एनोड पर कौन पहले डिस्चार्ज होगा जल्दी से आंसर करो ऊपर में आपके पास सीक्वेंस है एनोड पे पर पहले कौन डिस्चार्ज होगा क्लोराइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन जरा बीच में ये छूट गया था यहाँ हाइड्रोक्सिल कर देते हैं ठीक है इससे अधिक होता है क्लोराइड आयन हो जाएगा क्योंकि उसे कम एनर्जी में ही डिस्चार्ज होना है तो यहां पर लिखोगे क्लोराइड आयन डिस्चार्ज डिस्चार्ज इनिशियली एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया आपने अब आप इसमें पूछेगा आपसे कि एक्वा सॉल्यूशन में कौन मिलने वाला है इज फाउंड इन सॉल्यूशन आ जा इधर इसमें कौन पहले डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन आयन या सोडियम आयन सीक्वेंस देख लो सोडियम यहां है हाइड्रोजन यहां है हाइड्रोजन डिस्चार्ज एनर्जी बहुत कम रख रह रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन यस yes, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज इनिशियली तो जब वो डिस्चार्ज और डिपोजिशन शो कर चुका है तो सॉल्यूशन में कौन मिलने वाला है सोडियम आयन सोडियम आयन इज फाउंड इन सोल्यूशन क्लियर सोडियम आयन इज फाउंड इन सोल्यूशन अब आप देखो थोड़ा सा और जरा इनको देखते हैं यहाँ हाइड्रोक्सिल है आयन सोल्यूशन में बचा हुआ है सोडियम आयन बचा हुआ है दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो सोल्यूशन में आपको क्या मिलने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलने वाला है सोडियम हाइड्रोक्स साइड तो आप बताओ जब इलेक्ट्रोलाइसिस करने गए सोडियम क्लोराइड का तो सॉल्यूशन कैसा बना एसिडिक या बेसिक जो क्रिस्टल मिला वो कैसा मिला बेसिक एक तो ये किया मैंने दूसरा आप करके बताओ सेकेंड एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ या इन गैल्वेनिक सेल ठीक है सेकेंड वाला एग्जाम्पल इन गैलवेनिक सेल गैलवेनिक सेल में भी दो इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके पास कौन कौन से हैं जिंक सल्फेट है और ये आयोनाइज होगा जिंक आयन प्लस सल्फेट आयन में ये कहा होने जा रहा है एनोड पर कहा होने जा रहा है एनोड पर और इसके साथ साथ में वाटर भी है यह देगा हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन अब जरा आप आंसर करना दोनों को ही कौन पहले डिस्चार्ज होगा डिस्चार्ज पहले कौन होगा जिंक या हाइड्रोजन 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 प्लस उसके बाद सल्फेट या हाइड्रोक्सील हाइड्रोक्सील आयन हैव लो डिस्चार्ज एनर्जी हैव लो डिस्चार्ज एनर्जी क्लियर अब आ जाओ गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड पर हुआ करता था एट कैथोड एट कैथोड कैथोड पे कॉपर सल्फेट ये कॉपर सल्फेट आयोनाइज्ड होगा किस फॉर्म में प्युप्रिक आयन प्लस सल्फेट आयन में तो ये एक्वास फॉर्म में है फॉर्म में हाइड्रोजन आयन देगा और हाइड्रोक्सी क्लियर है अब बताओ कौन पहले डिस्चार्ज होगा कैटायन डिस्चार्ज होगा आयन या हाइड्रोजन आयन अच्छा ऊपर सीक्वेंस दिखा देते हैं सीक्वेंस सीक्वेंस दिखा देते हैं चलो अब सीक्वेंस देख करके बोलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉपर 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 सर हाँ कॉपर देख रहा सीक्वेंस उसकी डिस्चार्ज एनर्जी कम है चलो तो ये हो गया इसमें टीयू टू प्लस एंड एनाइन में बताना जरा भैया सल्फेट हाइड्रोक्सी सीक्वेंस देख कैंसर कर देना है हैव लो डिस्चार्ज पोटेंशियल तो प्रेफरेंशियल थ्योरी से आप क्या बता रहे हो कि भैया पहले कौन डिस्चार्ज होगा और कौन डिपॉजिट होगा प्रेफरेंशियल थ्योरी समझ में आया यस yes, सर चलो तो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको दे दे होमवर्क तो आप बनाकर भेजोगे yes, हाँ होमवर्क में फर्स्ट आपने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इसका बना के आप भेजना सेकेंड में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन शॉल्ट मोल्टेन शॉल्ट का कर देना क्लियर जो कर भी लिया आपने इसके बाद एक और करना सी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इसका सॉल्यूशन आप डाल दो सिल्वर इलेक्ट्रोड में ठीक है सिल्वर इलेक्ट्रोड ये भी एक और सोल्यूशन है ये तीन आप बना करके भेजना ठीक है आप लोग व्हाट्सएप पे कर देना या फिर जो लोग लाइव होंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कर देना दिक्कत आने पर इसी वीडियो को दो तीन बार देख लेना चलो फिर प्रेफरेंशियल थ्योरी का क्वेश्चन बनाकर भेजो ठीक है और कोई दिक्कत होने पे बताना ओके सर ओके हाँ yes. पहले को बंद कर देते हैं